हमारे साथ मौजूद है इस समय महा आर्यमन सिंधिया। सीधा सवाल होगा हमारा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सिंधिया घराने का जनता से और महा आर्यमन का घराने के साथ साथ आम लोगों से, क्या कहलाता है रिश्ता, कैसा इसे नाम देना चाहेंगे? ये पारिवारिक रिश्ता है, बहुत ही सिंपली मैं डालूं तो ये पारिवारिक रिश्ता है जो जिसका संबंध हमने सालों से मजबूत किया। अगर आप पीढ़ियों देखिए, राजमाता साहब, माधवराव सिंधिया जी और मेरे पिता, तीनों पीढ़ियों ने इतना काम किया है एक क्षेत्र में और इतना प्यार बसाया है क्षेत्र में, तो हम चाहते हैं कि अब अगले 5 साल में हम ये जो रिश्ता है और मजबूत करें और हर एक व्यक्ति के दिन में हम उपस्थित हों। तीन पीढ़ियां इस समय लगातार फील्ड में हैं जी, आप, आपकी माता जी, जी। आपके पिता जी, जी। और साथ ही साथ जो पूरा का पूरा राजघराना है, तो क्या लगता है कि जो संभावनाएं हैं 2019 से लेकर के अब तक कितना कुछ बदला है? हालांकि उस समय आप बहुत ज्यादा फील्ड में नहीं थे जी, लेकिन बदलाव क्या दिख रहा है? बहुत बदला है, जिस तरीके के साथ विकास और प्रगति हमारे मध्य प्रदेश में आया है, जिस तरीके के साथ भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है ज़मीनी तौर पर, तो बहुत बदलाव है। और जिस तरीके के साथ हम काम कर रहे हैं अब भाजपा के साथ, बहुत बदलाव है। आपके पापा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फिर कैसे हो रहा है, क्या टिप्स लेते हैं उनसे जब फ्री टाइम होता है? कि भाई, दो मेन टिप्स है कि सबसे पहले आप आम तौर पे लोगों से मिलिए, आप चल के उनसे मिलिए, उनके घर जाइए, उनसे खेलिए, ताकि उनका आपका संबंध जो है राजनीति संबंध की तरह ना रहे, लेकिन घर पे वो बसे, वो संबंध घर पे बसे, वो संबंध फील्ड पे बसे। तो इस तरीके के साथ हम काम करते हैं ताकि हम वो बैरियर जो है हम तोड़ पाएँ और लोगों के जिसके साथ, जो युवाएं के साथ, उनके एक दोस्त बने, उनके एक सहायता, उनके लिए एक सहायता बने। आप बाहर से पढ़े हैं, विदेश से पढ़े हैं, अंतर क्या कुछ समझ में आता है वहाँ और यहाँ में, कैसे एडजस्ट अपने को कर पा रहे हैं इस माहौल में? क्योंकि विदेश में वहाँ का माहौल, आपके पढ़ाई के दौरान का जो पूरा का पूरा रहा, यहाँ फील्ड में जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश है, कुछ तो अलग दिखता होगा। देखिए, मैं इसलिए वहाँ गया था ताकि मैं वहाँ कुछ सीख के यहाँ पे लेके आऊँ, वहाँ का अनुभव करके यहाँ पे लेके आऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे जिस तरीके के साथ हम पानी का कॉन्जर्वेशन करते हैं वहाँ पे, बिजली का कॉन्वर्सेशन करते हैं वहाँ पे, तो इसी तरीके के साथ ऐसे योजनाएं भी हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं ताकि जो पानी और बिजली की समस्या है वो दूर करें। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं एनर्जी में, तो हम चाहते हैं कि सोलर पैनल्स, ऐसे चीज़ें हमारे गांव-गांव में, बिल्कुल, तो ऐसे चीज़ें का अनुभव हुआ है जो US में, EU में ऐसी चीज़ें का लोग लाभ उठा रहे हैं और उसको आत्मनिर्भर बना रहे हैं हर घर। तो हम चाहते हैं कि इसी तरीके के साथ भविष्य में हम यहाँ पर भी वो उपलब्ध कराएं ताकि हर घर में रोशनी और पानी की जो व्यवस्था है वो मजबूत हो। एक आखिर में एक दो जो सवाल मेरे हैं उसमें से है कि आप क्रिकेट में के बड़े शौकीन हैं, इस समय क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए मैंने कुछ दिन पहले देखा था ग्वालियर में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की टीमें होंगी, क्या राजनीति में उसी अंदाज में चौके छक्के लगाने की तैयारी चल रही? उसी अंदाज में हम काम करना चाहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि एक टीम है, और अगर आप मेरे भाषण भी सुने होंगे तो मैं कहता हूँ कि जैसे क्रिकेट में हम खेलते हैं, क्रिकेट में एक व्यक्ति नहीं होता है, एक पूरी टीम होती है, और आप सब जो यहाँ पे खड़े हैं वो आप हमारे टीम हो, तो हमें साथ में चौके छक्के दिखाने हैं विपक्ष को, तो हम उसी तरह काम कर रहे हैं। और IPL के बारे में आपने बात की है, बहुत अच्छा बात की, वो भी मैंने अनुभव विदेश से ही लाया है, ताकि आप अगर बेसबॉल देखें अमेरिका में या अमेरिकन फुटबॉल देखें, तो ग्रोथ किस लिए हुआ है क्योंकि लोगों ने ग्रामीण स्तर पे ऐसे लीग पैदा की है। तो इसी तरह मैंने चाहता था कि यहाँ पे भी हम एक लीग बनाएं, और उसका जो घोषणा है वो हो गया है और अब जून में देखेंगे। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है असेसमेंट आपका क्या कहता है, बीजेपी की कितनी मध्य प्रदेश में और पूरे देश में सीटें आएंगी और दक्षिण भारत से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैं अपने एरिया पे फोकस कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र पे फोकस कर रहा हूँ, मैं बाकी भारत के बारे में अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा की लहर और मजबूत तो होगी और इस क्षेत्र में भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है कि बहुत जल्द वो भी राजनीति के लॉन्च पैड से उठ करके और राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।